हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम निमी के पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या आप अगर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिरेमिक हाई स्पीड स्टील से लगभग 3 गुना अधिक कठोर होता है। तो सिरेमिक जो है, आप याद रखिएगा कि एक कठोर पदार्थ होता है, जो कि आपकी हाई स्पीड स्टील से भी 3 गुना अधिक कठोर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सिरेमिक जो है, इसके लिए जो कटिंग इसकी स्पीड होती है, ठीक है, ये लगभग 150 से लेकर के 300 मीटर प्रति मिनट की स्पीड रखी जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सिरेमिक के द्वारा कटिंग करने के लिए 150 से लेकर के 300 मीटर प्रति मिनट की स्पीड रखी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है इसमें, हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील से क्वेश्चन 51 पूछा जाता है आपसे, इसके कंपोजिशन के बारे में। तो हाई स्पीड स्टील जो है आपके, मुख्यतः 3 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और रेडियम, जिसमें इनका अनुपात होता है 18:4:1 का, यानी कि 18% क्रोमियम, सॉरी टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% जो है आपका रेडियम होता है। हाई स्पीड स्टील जो है आपके, या कटिंग टूल्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका ड्रिलिंग मशीन है, या आपके हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, डायमंड टूल से टर्निंग करते समय कट की गहराई को 0.1 मिलीमीटर तथा फीड रेट को 0.05 मिलीमीटर प्रति चक्कर से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि डायमंड टूल से जब भी आप टर्निंग कर रहे हैं, तो समय कट की जो गहराई है, यानी कि डेप्थ ऑफ कट को हम 0.1 mm तथा फीड रेट को 0.05 mm से अधिक नहीं रख सकते, ठीक है। और टर्निंग होती क्या है, तो किसी भी जॉब के जो टर्निंग होती है, यह दो प्रकार की होती है, एक प्लेन टर्निंग और एक टेपर टर्निंग। तो किसी भी जॉब के डायमीटर में जब हम कमी करते हैं उसके टर्निंग विधि के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम उसे प्लेन टर्निंग कहते हैं। और जब उसके डायमीटर को टेपर में टर्न किया जाता है, कम किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं टेपर टर्निंग। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और डायमंड टूल्स के जो कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, डायमंड्स के द्वारा जो कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, तो वह जो आपके, सॉरी, जो आपका जो डायमंड है ना, जो कटिंग टूल्स, ऐसा डायमंड जो कटिंग टूल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका काले या भूरे रंग का होता है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा डायमंड जो कटिंग टूल्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका रंग जो है काले या भूरे रंग का होता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, लाइनर बुशिंग का प्रयोग रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये भूसे से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाइनर बुशिंग का प्रयोग रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए किया जाता है। रिन्यूएबल बुशिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्लिप रिन्यूएबल बुश और एक फिक्स रिन्यूएबल बुश। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, एक बड़ी फ्लैट सरफेस के सेंटर को स्क्रैप करने के लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्क्रैपर जो है एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, जिसका प्रयोग जो है सरफेस आपके जो है स्क्रैपिंग के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, जबकि एक बड़ी फ्लैट सरफेस के सेंटर को स्क्रैप करने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही स्क्रैपर से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है आपका, कि होल के छोटे डायमीटर के होल को फिनिश करने के लिए कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि छोटे डायमीटर के होल को फिनिश करने के लिए हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रैपर जो है आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं, ये भी प्लीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन का टेल स्टॉक ड्रिल को पकड़ने का कार्य करता है। तो लेथ मशीन का मुख्यतः दो भाग होता है, एक हेड स्टॉक और एक टेल स्टॉक। तो जो हेड स्टॉक होता है, उसमें जॉब को पकड़ा जाता है, जिसमें आपके चक लगे रहते हैं, और उसमें जॉब को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जबकि टेल स्टॉक जो होता है, जिसमें आपको ड्रिल या और भी जो कटिंग टूल्स होते हैं, उसमें उस पकड़े जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असममितीय वस्तुओं की, यानी कि इरेगुलर आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में हम कहेंगे, ठीक है, इरेगुलर वस्तुओं की टर्निंग करते समय स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टडी रेस्ट जो होते हैं आपके, लंबे जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेवन नंबर क्वेश्चन, जीरो लाइन शून्य विचलन को प्रदर्शित करती है। तो जो आपके लिमिट फिट एंड टॉलरेंस जो टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी डेविएशन संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो जीरो लाइन होती है, ठीक है, वह आपके जीरो डेविएशन या जीरो विचलन को प्रदर्शित करती है, प्रचलन नहीं करती है, ये प्रदर्शित करती है।
ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछ सकता है कि टॉलरेंस किससे कहते हैं, तो अधिकतम सीमा और लिमिट न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस आपके टॉलरेंस आपके क्या होते हैं, हाई लिमिट टॉलरेंस, ठीक है, ये होते हैं आपके दो प्रकार के, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस। टॉलरेंस जो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बाइलेटरल टॉलरेंस। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है और बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है? यूनिलेटरल टॉलरेंस में जो होते हैं, जब आपके एक ही साइज की तरफ आपको छूट दी जाती है, जबकि बाइलेटरल टॉलरेंस में जब आपके दोनों साइज में छूट दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायर्स कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जो आपके प्लायर्स होते हैं जिसको आप प्लास कहते हैं कॉमन भाषा में, वो आपके कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट रखिएगा, ठीक है। प्लायर आपके अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन एक से कि इलेक्ट्रिशियन के द्वारा प्रयोग की क्या कहते हैं, उपयोग किया जाने वाला प्लायर कौन सा है? तो इलेक्ट्रिशियन जो है आपके साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडिंग शब्द का संबंध ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट से है। तो ग्राइंडिंग व्हील में एक डिफेक्ट दो तरह के उत्पन्न होते हैं, एक लोडिंग और एक लोडिंग और ग्लेजिंग, ठीक है। तो लोडिंग शब्द क्या होता है कि जब आप सॉफ्ट मेटल की हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो मेटल के कण जो रहते हैं आपके ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। और अगर ये सॉफ्ट मेटल के कण ग्राइंडिंग व्हील की व्हील में फंस जाते हैं, तो ये आपका व्हील जो है कटिंग नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और वही जब हार्ड मेटल की कटिंग करते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील की मदद से, तो आपके क्या होते हैं, धातु जो आपके ग्रेन के कण, जो ग्राइंडिंग व्हील के जो कण होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, जिसकी और वो आपके क्या होते हैं, व्हील में चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। और इन सभी ऑपरेशन से छुटकारा पाने के लिए हम ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, ड्रिलिंग के कार्य में फीट की इकाई क्या होती है? तो ड्रिलिंग करते समय जो फीट होती है उसकी यूनिट होती है मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, जबकि कटिंग के लिए आपकी यूनिट होती है मिलीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, टेल स्टॉक का दूसरा नाम लूज हेड स्टॉक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा कि टेल स्टॉक को हम लूज हेड स्टॉक या पॉपेट हेड भी कहते हैं, तो इसको अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, मैंड्रिल हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंड्रिल जो है आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग जो है खोखले जांघ को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, मोटर गाड़ी और हवाई जहाज में सेलर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज़ क्वेश्चन को, कि मोटर गाड़ी और हवाई जहाज में थ्रेड का सेलर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। और सेलर थ्रेड के एंगल की बात करें तो ये आपका 60 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। थ्रेड जो होते हैं आपके, ये आपके पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट के लिए अप्रिय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, साइन बार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, साइन बार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और साइन बार का यूज जो है आपके एंगल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है साइन बार, ठीक है। ये आपके साइन थीटा के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। और साइन बार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइन बार से संबंधित, कि साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है? तो दो रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से साइन बार का साइज लिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारे टर्म्स आप याद रखेंगे अगर साइन बार से, तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है साइन बार से, तो आप उसका आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियों में कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं कि स्प्रिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग जो होते हैं आपके, ये आपके सिलिकॉन या कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो स्प्रिंग है, ये आपके कॉयल या वायर्ड स्प्रिंग दो प्रकार के होते हैं। तो घड़ियों में जो आपके कॉयल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, प्रायः टेपर की 1:100 के टेपर में बनी होती है या मिलती है, ये आप याद रखिएगा कि जो या उसमें 1:100 का टेपर दिया जाता है। तो जो टेपर की होती है उसमें 1:20 का टेपर होता है। और यहाँ पिन टेपर की बात करें तो 1:50 का टेपर उसमें दिया रहता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 18 नंबर का, भारी मशीनों को उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि हैवी लोड को उठाने के लिए कौन से बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि हैवी लोड को उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों के छोटे या बड़े पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मशीनों के चाहे छोटे पार्ट्स हो या बड़े पार्ट्स हो, उनको आपस में जोड़ने के लिए, असेंबल करने के लिए जिन माध्यम का एक माध्यम प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्टनर कहते हैं। फास्टनर आपके तीन प्रकार के होते हैं, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और टेम्परेरी फास्टनर। ठीक है, तो जैसे कि वेल्डिंग जो है आपका परमानेंट फास्टनर का उदाहरण है। आपका क्या कहते हैं, सेमी परमानेंट पीछे की बात करें तो सोल्डरिंग आपका सेमी परमानेंट की फास्टनर का उदाहरण है, जबकि नट और बोल्ट ठीक है ये आपके अस्थाई फास्टनर के यानी कि टेम्परेरी फास्टनर के उदाहरण हैं। तो ये अभी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, चक के जा हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो जो लेथ मशीन में चक प्रयोग किए थे जबड़े जाब को पकड़ने के लिए, तो यह आपके जो इस लेथ मशीन की लेथ मशीन के जो चक होते हैं उनकी बॉडी जो होती है आपकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, जबकि इसके जो जबड़े होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पुनः एक बार बता दें कि लेथ मशीन में जो चक प्रयोग किए जाते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि 3 या चक, 4 या चक, ठीक है, मैग्नेटिक चक। तो जो चक होते हैं वो आपके कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जबकि उनके जो जबड़े होते हैं ये आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, व्हील का ग्रेड अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अक्षर से ज्ञात किया जाता है, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड होता है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से उनको प्रदर्शित किया जाता है, उनके द्वारा उनको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ए से लेकर के एफ तक आपका होता है सॉफ्ट ग्रेड, जी से लेकर के आई तक होता है आपका आपका होता है मीडियम ग्रेड, और उसके बाद जो होता है आपका फाइन ग्रेड होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट आपके व्हील के जो ग्रेड होते हैं आपके तीन होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड और मीडियम ग्रेड। हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, ये तीन ग्रेड होते हैं, आप याद रखिएगा। तो जो सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है ठीक है वो ए बी सी डी से शुरू होता है, उसके बाद जो मीडियम ग्रेड होता है वो आपका जी एच आई उसमें आता है, और जो सबसे हार्ड ग्रेड होता है वो उसके डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब आपके हार्ड ग्रेड होते हैं। तो याद रखिए कि सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड ये तीन ग्रेड होते हैं आपके ग्राइंडिंग व्हील के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, बफिंग व्हील काटन या लिनेन के कपड़े से बनते होते हैं। तो बफिंग क्या है, बफिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है ठीक है, जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट्स की फाइन फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही शुद्धता में किसी भी जॉब को बनाना हो, बहुत ही शाइनिंग के साथ किसी जॉब को बनाना हो, तो वहाँ पे हम बफिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम जो व्हील प्रयोग किए हैं वह जो होती है वो काटन या लिनन के कपड़े से बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का गुण पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि कास्ट आयरन में जो लेथ मशीन का बेड होता है वह कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इस वजह से लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, एल्युमिनियम पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई सारे एग्जाम में पूछता है कि किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम पर वातावरण का दुष्प्रभाव जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मुंज मेटल कॉपर तथा जिंक का अलॉय है। तो मेटल के आपके मिश्रण से मिश्रण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ठीक है कि मुंज मेटल जो है आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ आपके जो मेटल होते हैं उनके आपके मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट यानी उससे गलनांक से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि कोबाल्ट का गलनांक किसका कितना होता है। तो याद रखिएगा कि कोबाल्ट का जो गलनांक होता है वो 1495 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके साथ ही टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस, निकल का जो गलनांक होता है वो 1450 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो एल्युमिनियम का गलनांक होता है वो 648 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।